नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया इलाके में आज बसों की कमी के चलते कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूटा और उन्होंने रतिया के बस स्टैंड गेट को बंद कर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि बसों की कमी के चलते उन्हें कॉलेज जाने में देरी हो जाती है। छात्रों ने बताया कि उनके द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद कॉलेज से बस स्टैंड तक एक स्पेशल बस शुरू की गई थी। आज जब कॉलेज के छात्र छात्राएं उस बस में कॉलेज जाने के लिए बैठ गए तो बस के परिचालक ने कहा कि यह बस कॉलेज में नहीं जाएगी बल्कि जाखल जा रही है। इस बात को लेकर जब छात्राओं ने परिचालक से सवाल किया तो परिचालक के द्वारा छात्रों के साथ बदतमीजी की गई और इस बात को लेकर छात्र भड़क गए और उन्होंने बस स्टैंड के गेट को बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत किया। इसके बाद छात्रों ने बस स्टैंड का गेट खोल दिया। छात्रों ने बसों की संख्या और रूट बढ़ाने की मांग जिला प्रशासन से की है। छात्रों का कहना है कि उन्हें कॉलेज जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए बसों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। जो आज बस स्टैंड का हमने गेट बंद किया है, यह लगातार काफ़ी दिनों से केटी कॉलेज को बस जाने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। हम पहले भी प्रशासन से मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा। हम पहले प्रशासन से मिले थे, उन्होंने स्पेशल बस की मांग, हमने स्पेशल बस की मांग की थी, स्पेशल बस लगवा दी थी, उसके बावजूद अब काफ़ी दिनों से इस बस भेज नहीं रहे। जो आज हमने हरियाणा छात्र यूनियन की तरफ से बस स्टैंड का गेट बंद किया था, ये उसका मुख्य कारण यह था कि कॉलेज के अंदर जो मुख्य स्पेशल बस लगाई गई थी, काफ़ी संघर्ष के बाद हमने लगवाई थी। पहले तो जो बस स्टैंड के अंदर जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि आप इस बस में सभी बैठ जाओ, जब बस लड़कियों और लड़कों से फुल होगी, कॉलेज में जाने के लिए तैयार होगी, उसके बाद उन्होंने तुरंत हमें आकर ये कहा कि आप इस बस से नीचे उतरिए, ये बस जाखल में जाएगी। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। जब हमने अपनी बात रखने के लिए अड्डा इंचार्ज के पास गए, 5 मिनट तक वेट किया, हमारी बात सुनने के लिए वे नहीं आए, तो हमने मुख्य बस स्टैंड का गेट बंद कर दिया और जो वहाँ का बस स्टैंड का इंचार्ज था उसने छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया और गलत कमेंट किए उन पर। इसलिए हमने आज कॉलेज का बस स्टैंड का गेट बंद किया था और हम सरकार से भी मांग करते कि हमारी जो समस्या है उसको जल्द हल किया जाए।